मैं इस वक्त हूँ कुर्जी दियारा में, जो बाढ़ के पानी से लगभग एक महीने से डूबा हुआ है। केले के जो बगान या पेड़ थे वो भी डूबे हुए हैं। तो लोग जो यहाँ पर रहते थे वो अब यहाँ पर केले के हरे पत्तों को तोड़ने आए हैं ताकि अपने जानवरों को, ताकि अपने पालतू जानवरों को खिला सकें। उमेश महतो का परिवार रोजाना इस बाढ़ के पानी में नाव से आता है। वो अपने जानवरों के लिए हरा चारा लेने अपने डूबे हुए घरों और खेत के पास आते हैं। केले के पत्ते और घास काटकर अपने जानवरों के लिए वो ले जा रहे हैं। हम लोग अपने जानवर के पेट भरने के लिए काट रहे हैं। हम लोग के तो खेती डेढ़ दो महीने से डूबा हुआ है। पाल में पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, कहाँ से हम लोग कुट्टी के लाएंगे। डेली आते हैं वही जानवर के घास ये केला का पत्ता काट लेते हैं। हर साल दियारा के ये लोग गंगा मैया की ये बेरुखी झेलते हैं, लेकिन क्या मजा कि गंगा मैया से शिकायत का कोई लफ्ज उनकी जुबान पर आ जाए। हमको लोग से पानी से कोई जरूरत नहीं। अब गंगा माई में जल में बात तो हम कहिया तक वो डरा के रहो हमारा अथी करो, इनकर जो बुझे से अपन करी हम हमारा बुझाई से हम करे से। गंगा के इस पानी में घाट किनारे दुकानें अभी भी सजी हैं। बच्चे इनमें जाल बिछाकर मछली पकड़ रहे हैं और गंगा जी के अथाह पानी में घास पर चढ़कर चीते अपनी जान बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी पानी से जंग जारी है, लेकिन इस जंग में गंगा जी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। गंगा मैया हर बार आशियाना तोड़ेंगी और ये लोग हर बार गंगा मैया की सौगंध लेकर भी फिर से अपना आशियाना बनाएंगे। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ सीटू तिवारी, आर एन न्यूज, पटना।